दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एपिडेमिक साउंड का मेरा एक साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और स्पेशली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनका जो रेफरल प्रोग्राम है उसकी कुछ सच्चाइयां हैं जो मुझे अब जाके पता चली हैं। तो देखिए, मेरा एक साल का एक्सपीरियंस, मैंने जून 2023 में इसको परचेज़ किया था, वो भी इस वजह से परचेज़ किया था कि मुझे 50% डिस्काउंट मिल रहा था। और वैसे तो इसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन इंडिविजुअल मेंबरशिप की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें $72 की आपको मिलती है एनुअली। उसमें आप फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम का पेज, यूट्यूब का एक चैनल और आई थिंक वो टिकटॉक, ये चीज़ें जो हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं ये एक एक प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने इसको एक साल यूज़ किया, साउंड ट्रैक बहुत अच्छे हैं, साउंड इफ़ेक्ट बहुत अच्छे हैं इसके मामले में। मैं कहूँगा कि मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है या कुछ है, बहुत अच्छी क्वालिटी आपको मिलने वाली है, बहुत तरह तरह के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। मोटिव ये था, मैंने एक ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था और उसमें मुझे ज़रूरत पड़ रही थी कि मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है ना वो थोड़ा अच्छा यूज़ करना चाहिए। हालांकि मैं यूट्यूब की लाइब्रेरी, पिक्साबे या फिर ऐसी और भी वेबसाइट यूज़ कर रहा था, लेकिन फिर भी एक दिन लगा मुझे कि मैंने इनके ट्रैक सुने और मुझे लगा कि नहीं, ये म्यूज़िक जो है वो कहीं ना कहीं मेरे काम का हो सकता है। तो जब 50% डिस्काउंट मिला तो मैंने अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने इसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो परचेज़ कर ली। अब एक साल यूज़ किया मैंने, बीच में हुआ इनका एक रेफरल प्रोग्राम भी है कि जब भी आप किसी को रेफ़र करते हैं अपने URL के थ्रू, तब आपको एक महीना एक्स्ट्रा मिलता है, एक महीना एक्स्ट्रा, या फिर ये कह लीजिए कि आपको $7 जो है वो आपके अकाउंट में, अकाउंट मतलब उस एपिडेमिक साउंड की प्रोफाइल में क्रेडिट हो जाते हैं। ऐसा नहीं अकाउंट में कि बैंक अकाउंट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो YouTube के डिस्क्रिप्शन में जैसे URL रख देते हैं तो वहाँ से किसी ने ज्वाइन कर लिया मेरे वीडियो के थ्रू, तो चार लोगों ने ज्वाइन किया। अब चार लोगों ने जब ज्वाइन किया तो आप भी यही समझेंगे और मैंने भी यही समझा था कि मुझे चार महीने जो है वो एक्स्ट्रा यूज़ करने को मिल जाएंगे। तो जैसे पिछले साल जून 2023 में मैंने इसको लिया था, तो अब चार महीने मैं जोड़ूं तो अक्टूबर 2023 में मेरी इसकी सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होने चाहिए। लेकिन अभी जून में मुझे एक नोटिफिकेशन आ गया जब इसकी 25 तारीख को एक्सपायरी थी, मतलब उनके हिसाब से, तो 20 दिन पहले मुझे नोटिफिकेशन आया कि आपकी जो ये सर्विस है ये रिन्यूअल के लिए पेंडिंग है और जून 25 तारीख से पहले पहले हम जो है वो एनुअली चार्जेस काट लेंगे। सो मैंने सोचा कि यार सब्सक्रिप्शन तो अक्टूबर में होनी चाहिए थी रिन्यूअल, और ये अभी क्यों हो रही है जून में। मैंने इनको मेल किया कि ऐसे ऐसे बात है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो इन्होंने बोला कि देखिए, आपने चार लोगों को रेफ़र किया है तो चार लोगों के हिसाब से $28 बनते हैं और एनुअली सब्सक्रिप्शन है $72 की। तो अब जब जून 25 को हम इसको रिन्यूअल करेंगे तो $72 में से हम $28 माइनस कर देंगे और बाकी जो होगा वो आपके कट जाएंगे। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं अभी मन ये बनाया हुआ था कि मुझे ये सब्सक्रिप्शन जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं करनी है, मुझे नहीं चलानी है। और रीज़न ये था कि साउंड ट्रैक हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए मैंने इसको लिया हुआ था वो चीज़ मैं खुद ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ उतना फ्रिक्वेंटली, और इसलिए मैंने सोचा हुआ है कि कुछ टाइम जो है वो इसको रोकते हैं, और जब कभी भी मुझे लगा कि मैं आगे जो है वो टाइम दे सकता हूँ YouTube के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, तब जाके है फिर से ले लूँगा ये सब्सक्रिप्शन। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि जो चार महीने मैंने कमाए हुए हैं रेफरल के थ्रू वो भी बेकार ना जाएं। तो मैंने इनको मेल किया कि ऐसे ऐसे भाई, मैंने जो $28 कमाए हुए हैं मैं उनको यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ, सो प्लीज़ ऐसा करिए कि मुझे चार महीने दे दीजिए आगे, और मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि आपका जो प्लान है वो है एनुअली सब्सक्रिप्शन वाला, तो अब इसको आप मंथली में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फिर फाइनली मैंने जो ये सब्सक्रिप्शन है ये इसको मैंने कैंसिल कर दिया है और इनको एक मेल किया है कि मेरे जो चार महीने हैं $28 इनको आप मेरे प्रोफाइल में रखिए और जब कभी भी मुझे इसको यूज़ करना होगा वो मेरे पे रहेगा, मेरी अपनी मर्ज़ी है, मैं इसको चाहे एक साल बाद या पाँच महीने बाद जब कभी भी मेरा मन करे मैं उसको यूज़ करूँ मंथली सब्सक्रिप्शन लेने पर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो वो अपने $28 जो है वो यूटिलाइज़ करने वाला हूँ नेक्स्ट टाइम। अब वो कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा वो मुझे भी नहीं पता। और एक चीज़ और है, इनका सपोर्ट सिस्टम थोड़ा जो है वो मुझे वहाँ पे कमी लगी। अभी पिछले वीडियो मैंने बनाए थे एपिडेमिक साउंड के ऊपर, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता था कि हम सब्सक्रिप्शन ले ही नहीं पा रहे हैं, हमारी पेमेंट फेल्ड हो जा रही है। तो देखिए, इनका क्या है कि कुछ RBI की अपनी गाइडलाइन है और ये इंटरनेशनल वेबसाइट है, तो वहाँ से पेमेंट का कुछ इतना मुझे लगता है कि प्रोसेस हो नहीं पाता। मैंने इनसे पूछा लेकिन ये पता नहीं क्या क्या इतनी टर्म एंड कंडीशन होती हैं वो नहीं समझ आती हैं। और बहुत सारे केस में मैं आपको ये भी बता दूँ, एक चीज़ ये भी होती है कि जो आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पर
आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए एलिजिबल ही नहीं होता है, तो वो चीज़ आप अपनी तरफ से श्योर कर लीजिए, करिए कि आपका क्रेडिट कार्ड वो कर भी सकता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन या नहीं, तो अपने बैंक से बात करिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो सबसे अच्छा रहता है कि आप इनको सपोर्ट पे मेल करिए, आपकी हेल्प करेंगे कि हाँ कैसे करना है, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह का पेमेंट मेथड जो है वो यूज़ होना चाहिए। कईयों का क्रेडिट कार्ड डायरेक्ट यूज़ हो जाता है तो वो ले लेते हैं सब्सक्रिप्शन। और सपोर्ट से जब भी इनकी कोई मेल आती है ना, तो कोशिश करा करिए कि एक बारी में ही आपको अपनी फ्यूचरिस्टिक सोच रखनी है कि आपने अगर एक क्वेश्चन पूछा है, आपको पता होना चाहिए कि उसका आंसर क्या आ सकता है और उसके ऊपर आपके कितने क्वेश्चन होने चाहिए। वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको कि जो रिप्लाई आता है वो 24 आवर्स या 48 आवर्स में इनका रिप्लाई आता है, तब आप वेट कर रहे होते हैं कि उनका आंसर आएगा और मेरी जो ये चीज़ है हो जाएगी। लेकिन जब आप देखते हो 24 आवर्स के बाद जो रिप्लाई आता है ना, मैक्सिमम ऐसे रिप्लाई आते हैं कि उस रिप्लाई के अंदर एक और क्वेश्चन रेज हो जाता है, फिर उस एक क्वेश्चन को रेज करने के लिए आप फिर से मेल करेंगे, फिर से 24 आवर्स का वेट करेंगे। तो इससे अच्छा है कि खुद ही थोड़ा वो सोचिए कि आगे क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे 5-6 वो एक साथ ही मेल पे लिखिए, तब जाके वो एक मेल में बात बन जाती है, अदरवाइज़ मेल में ही फंसे रहेंगे। तो इस तरह का जो है वो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एपिडेमिक साउंड का। और अगर आप भी इसको रेफरल वगैरह यूज़ करते हैं तो ये चीज़ जो है वो दिमाग में लेके चलिए कि आपके महीने वैसे नहीं बढ़ेंगे उस सब्सक्रिप्शन में, आपको जो है वो अलग से बात करनी पड़ती है उनके लिए। दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है वो यूज़ हो जाए। इसके अलावा बैकग्राउंड म्यूज़िक के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर कार्ड के ऊपर या फिर वीडियो के एंड में जो ये थंबनेल से बने होंगे उस पर आप क्लिक करके उनको चेक कर सकते हैं। ओवरऑल जो है एपिडेमिक साउंड जो है वो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे ट्रैक हैं, बहुत आपकी जो ब्लॉगिंग है उसको एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुँचा देता है। यानी कि जो आपको पता ही है बैकग्राउंड म्यूज़िक कितना रोल निभाता है एक ब्लॉगिंग की, उसमें वीडियो में आपका जो ऑडियंस होती है उनका सुनने का तरीका, उसका एक फील एक अलग लेवल पे पहुंचा जाता है। तो इसको ज़रूर यूज़ करिए अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं, मैं कोई वैसे नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसका हल ढूँढूँ, सोल्यूशन ढूँढूँ, कैसे उसको सही कर सकते हैं। धन्यवाद।